हेलो फ्रेंड्स। और मैं क्या बताऊँ, आज का दिन उफ 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 उफ। अभी शाम हो गए, 4 बज गए, और आज मैं सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी मैं उठी थी। सुबह अभी भी मुझे नींद आ रहा है, क्योंकि इतने सारे काम जो है उसको सब खत्म करके जाना है। मेरी अभी एक क्लास चल रही थी, क्लास खत्म हुई फिर मैं तैयार हुई हूँ। और वर्क का बाद हस्बैंड निकलेंगे, आफ्टर वर्क वो निकलेंगे, तो थोड़ा देर होगा, इसीलिए ज़्यादा देर से यहाँ से निकलेंगे तो वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। तो इसीलिए इस गैप को थोड़ा कम करने के लिए मैंने कुछ सोचा है। और इधर सारा सामान सब ऐसे ही पड़ा है, मतलब जैसे सब सूटकेस वूटकेस वो सारे चीज़ें ऐसे पड़े। हस्बैंड साथ रहते, वो तो ऑफिस में है, साथ रहते हैं, तो उसको सब साइज के डिक्की में रख देते हैं। गाड़ी भी उनके साथ है, अभी वो घर आएंगे मुझे लेके जाएंगे तो ज़्यादा देर हो जाएगी। तो इसीलिए आज एकदम एक हेक्टिक डे था। चलो सब कुछ हो गया, और मतलब खाना वाना सब कुछ हो गया। अब वहाँ पहुँच के तो खाना नहीं बना सकती, बाहर से तो खाएंगे नहीं, तो इसीलिए कुछ उसके लिए भी बना के लेके जाना पड़ता है। और ऐसे ही जाएंगे, जाते जाते भी इवनिंग टाइम है तो चाय वाय कुछ खाते खाते चाय वाय ये सब करके भी थोड़ा जाएंगे। तो इसीलिए वो सब, अभी चाय तो मैं लास्ट में बना के लेके जाऊंगी, अभी वो काम भी थोड़ा बाकी है। और मैं यहाँ से कैसे जाके मेरे हस्बैंड से जुड़ रही हूँ वो थोड़ा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये सूजी का केरा बोलते हैं, उड़ीसा का एक पीठा है ये फेमस, तो इसको मैं बनाई हूँ। रास्ता में एक एक करके खा लेंगे, इजी होगा। इसका स्टफिंग के लिए ये नारियल, गुड़, गरम मसाला, इलायची विलायची ये सब दे के ये स्टफिंग बना लिया गया। और इधर सूजी को थोड़ा मतलब मसाला और चीनी ये सब का गर्म पानी में सूजी को बना लिया गया है। तो फ्रेंड्स थोड़ा मैं बैठ गई आराम से, अभी तक बैठने को इतना टाइम नहीं मिला था। तैयार हो गई, बस अब कुछ नहीं है। अभी क्या हुआ ना, गाड़ी जो है वो हस्बैंड के पास ऑफिस में है, वो वहाँ से निकलेंगे लगभग 5 बजे निकलेंगे, मतलब अपना रूम से सीट से निकलेंगे, निकल के बाहर आएंगे। और मैंने एक गाड़ी हायर कर लिया है। हाँ थोड़ा पैसा ज़्यादा ले रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हायर कर लिया है वो अभी आएगा थोड़ा आधा घंटा पहले आएगा, जैसे कि 4:30 4:40 को मैं बोली हूँ वो आएगा। और अभी हो रहा है कुछ 4:15, तो जैसे ही वो आएगा उसके साथ निकल जाएंगे हस्बैंड के ऑफिस के पास तक। फिर वहाँ से अपने गाड़ी पर सारा सामान फिर ट्रांसफ़र होगा, फिर हम चलेंगे अपना जर्नी में। सबसे पहले ऑफिस से आते आते उनको चाय नाश्ता ये सब गाड़ी में चलते चलते हो जाएगा तो सारी चीज़ें बना के लेनी पड़ती है ना, तो इसीलिए ये सब होगा। और हम लोग को जो हफ्ते भर को इस किसी को किसी के साथ बात करने को टाइम नहीं मिलता है, सब अपने अपने काम में बिजी होते हैं। मैं कोई कम बिजी नहीं रहती हूँ, घर पे रहती हूँ लेकिन कोई कम बिजी नहीं रहती हूँ, सब वर्क फ्रॉम होम हो जाता है मेरा, लेकिन टाइम नहीं मिलता है। और हस्बैंड सुबह उनका जो रूटीन है, सुबह 10 o'clock ऑफिस जाते हैं और आते आते 8 बज जाता है, तो इसीलिए आने के बाद वो काफ़ी टायर्ड रहते हैं, उनको भी थोड़ा फ्री टाइम चाहिए टीवी वीवी देखने के लिए, कुछ करने के लिए, इसीलिए हम उस समय बक बक नहीं करते हैं और ये सब। तो इसलिए अभी जो हम लोग जब जर्नी में गाड़ी पे जाते हैं अपने गाड़ी से, तो हम लोग बस बक बक करते करते जाते हैं, और थोड़ा हार्ट टू हार्ट टॉक करने के लिए मौका मिलता है। तो यही सब है आज के लिए। तो मैं आपको थोड़ा दिखाऊंगी क्या मैं बना के लेके गई हूँ रास्ते में खाने के लिए, और वहाँ जाके बहुत सारे सरप्राइजेस हैं आपके लिए, बहुत अलग टाइप का वीडियोस मैं बनाऊंगी वहाँ जाके। तो यही है बस, थोड़ा आपके साथ और भी कुछ शेयर कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स सब कुछ सहेज लिए हैं, ये 2 बैग्स मेरे पड़े हैं, यहाँ एक और वहाँ नीचे एक रेड बैग है, बस 2 बैग है। और इधर है 2 बैग है, और इधर है मेरा लैपटॉप बैग, ये देखिए
ये देखिए, इसका बिना तो कुछ काम ही नहीं होगा, चाहे क्लास लेना पड़े या फिर कुछ और करना पड़े। तो लैपटॉप बैग और साइड में ये जो ब्लू है, इसमें सब मोबाइल चार्जर, लैपटॉप चार्जर, ये सारी चीज़ें जो है ना, उसको इसमें लेके गए हैं। दो दो मोबाइल, ये सब चीज़ें हैं यहाँ। और क्या है, बस यही है। यहाँ एक कारपेट है, यहाँ 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 एक कारपेट है, ये मैं लेके आई थी वहाँ से, थोड़ा अच्छा से साफ करने के लिए, ये बड़ा वाला वॉशिंग मशीन में। तो ये कारपेट वहाँ लेके बिछाना है, तो यही सब काम है और क्या। तो चलिए, आगे जाते जाते मैं आपको थोड़ा दिखाऊंगी रास्ता, और फिर जाके ब्लॉग ख़त्म होगा। अभी मैं थोड़े देर बाद 4:30 होने को जा रहा है, अभी वो आने वाला है, तो मैं थोड़ा चाय वाय लगा के उसको फ्लास्क में डाल देती हूँ, और फिर उसके बाद थोड़ा क्या करेंगे, उसके बाद थोड़ा चाय पी लेंगे, थोड़ा और 2 कप्स ऐसे फ्लास्क में ले लेंगे। बस मैं तैयार होकर निकल जाऊंगी, फिर रास्ते में आपसे बात करूंगी, फिर वहां पहुंच के, डेस्टिनेशन पे पहुंच के ज़रूर आपसे बात करूंगी। तो अभी के लिए थोड़ा स्टॉप होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट कर दी एक हायर्ड गाड़ी से, अभी कुछ 5 बजने वाला है, और ये हायर्ड गाड़ी से मैं जाऊंगी हस्बैंड के ऑफिस के पास, एक स्पॉट पर मैं जाऊंगी, फिर ये गाड़ी मुझे छोड़ देनी है और अपने गाड़ी में चली जाऊंगी। तो ये बरहमपुर का कमापली एरिया है, थोड़ा मैं आपको साइड दिखा रही हूँ कमापली का साइड, और काफ़ी बिजी रहता है ये टाइम में। तो ऐसे ही चल रहे हैं, और थोड़ा रोड ऐसे मैं दिखा रही हूँ हाईवे पर। तो सभी ये टाइम में सब घर लौट रहे हैं ऑफिस से, इधर से उधर से, कोई कहीं जा रहा है, कुछ कर रहा है, तो इसीलिए थोड़ा ऐसे बिजी लग रहा है। तो ये है कुछ हाईवे का साइड का सीन, ऐसे काफ़ी सुंदर लगता है, कई बार मैं दिखाई हूँ जब भी मैं भुवनेश्वर आती हूँ। तो अभी थोड़ा और जाना है, और ये ड्राइवर चला रहे हैं, उनकी गाड़ी है और मैंने हायर किया था इसको। अभी रात जैसे हो गई है, अभी मैं अपने गाड़ी से आ रही हूँ, रात जैसे हो गई है, देखिए कितना रात, मतलब अंधेरा है चारों तरफ, और रास्ता भी कितना सुनसान है। तो काफ़ी लॉन्ग जर्नी है, जो भी हो हम अपने चल रहे हैं, और यहाँ थोड़ा बिजी, थोड़ा भुवनेश्वर के पास पास होने को आया, और स्मार्ट सिटी है तो ज़्यादा इसका लाइटिंग, रोड सब कुछ अच्छा है। थोड़ा और आगे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा, मतलब लाइटिंग और बिजी स्ट्रीट मिलेगा देखने को। ये ऐसा ही व्यू है अभी, जो रात का व्यू है, और गाड़ियाँ इधर उधर, ये 2 लेन, ये 3 लेन ऐसे कुछ है। इधर भुवनेश्वर स्मार्ट सिटी आ गया है, तो घुसते ही इसका रोड, इसका लाइटिंग, ये सब एक अलग है, और रोड भी बिजी रहता है, काफ़ी तरह के व्हीकल्स देखने को मिलते हैं, और गाड़ी में भी, कार्स में भी वैरायटी सब देखने मिलते हैं। ये देखिए रात का नज़ारा कितना, मतलब सुंदर लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, क्योंकि इट्स पैक्ड विथ व्हीकल्स, और साइड में दुकान, बाज़ार, होटल्स, ये सारी चीज़ें जो अभी ऑन है और बिज़ी है। अभी अभी रात का कुछ 8 o'clock ऐसे कुछ है, तो थोड़ा बिज़ी टाइम है, सभी लोग इधर उधर, रेस्टोरेंट्स जा रहे, आना जाना है, और ब्राइटनेस कितना खूबसूरत लग रहा है रोड का साइड से, मैं थोड़ा ले रही थी। तो होता है, एक स्मार्ट सिटी है तो उसका एक अलग नज़ारा होगा,
और ब्रह्मपुर का एक अलग नज़ारा होगा। तो यही है डिफरेंस। और यहाँ बहुत अच्छा लगता है, चाहे आप मॉल्स में जाओ या पार्क्स में जाओ या रोड में आप चला रहे हो, रोड्स भी काफ़ी अच्छे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये लाइटिंग मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। और देखिए कितना बिजी भी है, बड़ा बड़ा व्हीकल्स बहुत यहाँ चल रहे हैं, बड़ा छोटा सब व्हीकल्स यहाँ चल रहे हैं। और साथ में साइड में पूरा लाइन में है शॉप्स, मॉल्स और बहुत तरह के स्टोर्स हैं, फर्नीचर स्टोर हो या फिर कुछ और हो। तो कोई चीज़ नहीं है या नहीं मिलेगा ऐसी बात नहीं है, बस टाइम चाहिए सैर करने के लिए। ये वाला व्यू कितना अच्छा है, कितना कलरफुल है इसका लाइट, मैं इसको एंजॉय कर रही हूँ। तो आशा है आप भी इसको एंजॉय करेंगे और लाइक करेंगे। अगर लाइक कर रहे हैं तो एक लाइक दे दीजिए। तो फ्रेंड्स यही है डेस्टिनेशन, पहुंच गए हैं और एकदम ज़्यादा रात हो गई है तो व्लॉग को यहीं एंड करना पड़ेगा। आज दिन भर का थकान, ये था सारी थकान मिटाना है। अभी मैं डिनर खाऊंगी, उसके बाद मैं सो जाऊंगी और थोड़ा रेस्ट में रहूंगी तो अच्छा लगेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू and bye-bye.